Hello friends, welcome to Brahma Gems. I am Anshul Goyal, the director of Brahma Gems. Today we will talk about Blue Sapphire, या जिसको हम हिंदी में नीलम भी बोल देते हैं, शनि का स्टोन भी बोल देते हैं. So topic for today is how to buy and select natural blue sapphire. हमें जब blue sapphire खरीदना है और when we want to buy a blue sapphire, what all things we need to keep in mind. हम कहीं से भी लें, हम कैसे धोखे से बचें, कैसे हम मेक श्योर करें कि वी आर बाइंग अ नेचुरल अनहीटेड एंड अनट्रीटेड जेमस्टोन. फर्स्ट थिंग इज अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट इज द मेन पार्ट ऑफ व्हाइल बाइंग अ जेमस्टोन. सो यू शुड नो हाउ टू रीड अ सर्टिफिकेट एंड हाउ टू सेलेक्ट अ सर्टिफिकेट. सो टुडे आई एम शोइंग यू टू सर्टिफिकेट. वन इज IGI GTL विच इज नाउ IIJC, जिसका भी नाम चेंज हो गया है. दिस इज अ गवर्नमेंट लैब रन बाय जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया. दिस लैब क्लियरली मेंशन द ट्रीटमेंट इफ एनी इन द कमेंट सेक्शन दैट इट इज दिस इज क्लियरली मेंशन एंड नो इंडिकेशंस ऑफ हीटिंग आर ऑब्जर्व्ड. अगर यही पीस हीट होता तो उसमें मेंशन होता हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड. यही पीस अगर ग्लास फिलिंग होता तो उसमें मेंशन होता ग्लास फिलिंग इज डन या ट्रीटमेंट इज डन. So you should read the certificate while buying a gemstone. Cut क्या है, color क्या है, and especially the comment section. Then there is one more certificate which is IGI International Gemological Institute. This is worldwide. इसमें भी ये सारी चीज mention रहती हैं, comment section, cut, color, clarity. But at the same time, specific gravity, refractive index, these things are also mentioned in this certificate. अब जैसे ब्लू सफायर की हम बात करेंगे तो अगेन इट बिलोंग्स टू द कोरंडम फैमिली. तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स येलो सफायर का होगा या पिंक सफायर का होगा या व्हाइट सफायर का होगा, सेम विल बी ऑफ अ ब्लू सफायर, दैट इज 1.76 टू 1.77 रेंज. एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी अगेन 4 ऑफ ऑल द ब्लू सफायर. इफ इट इज नेचुरल इट विल बी 4 ओनली. बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग दे समटाइम्स मेंशन द ओरिजिन ऑल्सो की स्टोन है कहाँ का, उसका सोर्स क्या है. इट इज फ्रॉम श्रीलंका, इट इज फ्रॉम बैंकॉक, इट इज फ्रॉम मेडागास्कर. सो दे इवन मेंशन द ओरिजिन ऑफ द स्टोन बट इट इज नॉट मैंडेटरी. इट इज सब्जेक्ट टू द नॉलेज ऑफ अ जेमोलॉजिस्ट हु इज डूइंग द सर्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अ स्टोन टेस्टिंग. सो इसमें मैंडेटरी नहीं है कि ये लोग ओरिजिन देंगे ही देंगे. जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि दे हैव बॉट अ ब्लू सफायर या कोई अदर स्टोन लिया उन्होंने विच इज IGI सर्टिफाइड and origin is not mentioned in the certificate. It is not at all mandatory. अगर gemologist को clear होता है, inclusion pattern उसके लिए clear होता है, तो वो origin दे देता है. Because origin पता चलता है by the inclusion pattern कि उसमें inclusion कौन-कौन से हैं, क्या उनकी formation है. क्योंकि हर origin में थोड़ा सा inclusion pattern में difference होता है. And if they are confused, then they will not mention the origin. But टू योर नॉलेज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. अगर स्टोन नेचुरल है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फ्रॉम अ श्रीलंका और सम टाइम्स इन अ वेरी रेयर केस इट कैन बी फ्रॉम अ बर्मा ऑल्सो और फ्रॉम मेडागास्कर ऑल्सो. बट अगर कोई भी बैंकॉक का स्टोन होगा तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो अनहीटेड अनट्रीटेड होगा बिकॉज दे विल बी ऑल हीटेड एंड ट्रीटेड ओनली. नाउ सेकेंड थिंग अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट इज कट. जितना बेटर कट होगा उतना ही स्टोन का प्राइस बढ़ जाएगा. और क्या बढ़ेगा, कट से ब्रिलियंस बढ़ेगा, स्टोन का ब्रिलियंस बढ़ जाएगा, फायर बढ़ जाएगा, लस्टर बढ़ जाएगा. देन क्लैरिटी, जितना स्टोन क्लियर होगा उतना अच्छा होगा एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस एंड एज पर द उसके विजुअल्स में, उसमें क्लैरिटी होगी तो उतना ही अच्छा दिखेगा. देन थर्ड इज कैरेट वेट. जितना स्टोन बड़ा होगा उतना रेयर हो जाएगा और उसी हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाएगा. तो इस इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं हायर द कैरेट हायर द प्राइस, स्मॉलर द कैरेट लोअर द प्राइस. बट एट द सेम टाइम अगर क्वालिटी ऊपर है, सब कुछ बेटर है, तो समटाइम्स द प्राइस कैन गो हायर ऑल्सो. व्हाइल बाइंग अ ब्लू सफायर, अ नेचुरल ब्लू सफायर, यू शुड नो कि आपको कितने वेट का स्टोन पहनना है. और अगर आप ये कंफ्यूज है कि आपको कितने वेट का पहनना चाहिए, तो यू कैन टेक 1/10 to 1/12 ऑफ योर बॉडी वेट यू कैन टेक इन कैरेट और रत्ती. हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. For example, if your body weight is 60 kg, तो you can go for a 5 to 6 carat minimum or above that also. ऐसा कोई mandatory नहीं है कि 5 carat से नीचे पहनोगे तो काम नहीं करेगा या 6 carat से ऊपर ले लोगे तो दिक्कत होगी. No, it is not at all like that. So always keep in mind you are buying a natural gemstone. If you are wearing as an astrological purpose, it should be unheated, untreated, and free from any kind of other treatment. Thank you. If you have any other question,
you can log on to www.brahmagems.com, or you can just call on at any time at our number 011-4701-0101. इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल रहता है कि आप डिलीवरी करते हैं नहीं, या इंडिया में ही डिलीवर करते हैं या बाहर से भी डिलीवरी करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम यूएस में हैं, हमारी डिलीवरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। डिलीवरी विद इन इंडिया इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पैन इंडिया डिलीवरी इज फ्री, आउटसाइड इंडिया द डिलीवरी इज चार्ज एज पर एक्चुअल, जनरली टेक्स फ्रॉम 3 to 7 वर्किंग डेज फॉर आउटसाइड इंडिया, एंड विद इन इंडिया जनरली टेक्स 2 to 3 वर्किंग डेज।